नमस्कार दोस्तों, बीएचयू ने सेशन 2021-22 में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड तमाम चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अंडर ग्रेजुएट में किस किस कोर्स में एडमिशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएट में किस किस कोर्स में एडमिशन होगा, अप्लीकेशन फी कितना है, कब से कब तक फॉर्म को भरा जाएगा, ये सारी चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। इस चैनल पर आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में हर एक जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए आपको www.mgcuupdates.in की वेबसाइट पर आना होगा, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बताया गया है बीएचयू एडमिशन 2021-22 स्टार्टेड यूजी पीजी कोर्सेस, यानी कि यूजी पीजी कोर्सेस में जो एडमिशन है बीएचयू में उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फी के बारे में, अप्लीकेशन फी कितना होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई करता है और वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 600 रुपया चार्ज लगेगा। वहीं अगर वो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर ट्रांसजेंडर्स कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 300 रुपया चार्ज लगेगा। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में शास्त्री ऑनर्स कोर्स में अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है तो वो जनरल कैटेगरी से, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 400 रुपया चार्ज लगेगा। वहीं अगर वो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 200 रुपया चार्ज लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के बारे में। अगर कोई स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई करता है और वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 600 रुपया चार्ज लगेगा। वहीं अगर वो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 400 रुपया चार्ज देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होगी। ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्स के लिए है। 6 सितंबर को रात में 11:50 तक अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों। अब हम बात कर लेते हैं फी पेमेंट का। फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर रात में 11:50 तक। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए सेम ही डेट है। अगर कोई बच्चा को फॉर्म भरने के समय कोई गलती हो जाता है तो उसको करेक्शन करने के लिए विंडो को फिर से ओपन किया जाएगा। जो भी आपको करेक्शन करना है वो आप 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ये भी दोनों के लिए डेट सेम ही है। जो एग्जाम होगा वो एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। पैटर्न कैसा होगा एग्जाम का, तो पैटर्न आपका एमसीक्यू होगा, दोनों यूजी और पीजी दोनों के लिए सेम ही होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में क्या क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहला जो स्टेप है इसमें आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा। इसके बाद से आपको एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को अच्छी तरीके से नोट कर लें। सेकेंड स्टेप में आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स भरना है, फैमिली डिटेल्स भरना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको थर्ड स्टेप में अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो आपका 10 KB से लेकर 200 KB तक का होना चाहिए। इसके बाद से आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर आपको 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद से आपको फोर्थ स्टेप में आता है पेमेंट का। पेमेंट जो है आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट या मतलब ये सारी मेथड से आप फी पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको इस बार 40 से भी ज़्यादा कोर्स अवेलेबल है। इतने सारे कोर्स के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है लिस्ट ऑफ कोर्स अंडर ग्रेजुएट यूईटी 2021 इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे बीएचयू में अंडर ग्रेजुएट में अवेलेबल है। यहाँ से आप इस बटन पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट में इस बार 100 से भी ज्यादा कोर्स में एडमिशन होगा। कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होगा इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा लिस्ट ऑफ कोर्स अंडर पीईटी 2021। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। इस डॉक्यूमेंट को भी आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप इस बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या होती है एडमिशन से रिलेटेड, सिर्फ बीएचयू में ही नहीं और भी दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटी में जैसे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या फिर फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। इस पेज और ग्रुप में आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में कब एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको दूसरे यूनिवर्सिटी की भी वीडियो समय समय पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।